सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आप सबको और एक वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह को जो कांटे का मुकुट पहना गया था, वही कांटों का मुकुट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो रियली प्रभु यीशु मसीह का ये जो कांटों का मुकुट, ये देखने में कैसा था, आज की वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला, प्रभु यीशु मसीह को जो कांटों का मुकुट पहनाया गया था सर पर, वही कांटों का मुकुट आज कहाँ रखा गया है और कैसा है, देखने में कैसा है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हम कुछ वचन को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की वचन को हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मती उसका 27 का 27 से लेकर 31 तक, मैथ्यू चैप्टर 27 to 31 हम देखेंगे। चलिए हम इस वचन को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ इसी प्रकार की लिखा गया है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठे की, और 28 और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया, 29 और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टिक कर उसे थटों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों का राजा, नमस्कार। और 30 और उस पर थुका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका थट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाई और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यहाँ 29 में, वर्स 29 में साफ साफ लिखा गया है, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे थे, उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया था, उनको पहनाया गया था। कुछ लोग ये विश्वास नहीं करते, लेकिन इधर हम देखते हैं, देख रहे हैं तो वचन में साफ साफ लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह की सर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया गया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठटों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कांटों का
मुकुट पहनाया गया था। आज की वीडियो में हम वही कांटों की मुकुट को हम देखने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह की उस कांटों का मुकुट अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। कुछ समय के बाद हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को कौन सा कांटों का मुकुट पहना गया था, और असल में प्रभु यीशु मसीह को जो कांटों का मुकुट पहनाया गया वो देखने में कैसा था। इन सारे बातों को लेकर हम देखेंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, इधर हम आ चुके हैं वही जगह पर जिधर प्रभु यीशु मसीह का कांटों का मुकुट को रखा गया है। जी हाँ, इधर प्रभु यीशु मसीह का जो कांटों का मुकुट है उसको रखा गया है। इसको आज हम देखने वाले हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह का जो कांटों का ताज है, जो मुकुट है, प्रभु यीशु मसीह ने जो पहना था वो देखने में कैसा है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसको मैंने कलेक्शन किया है। असल में प्रभु यीशु मसीह का जो कांटों का मुकुट था वो यही है, यही ओरिजिनल कांटों का मुकुट है, इसको प्रभु यीशु मसीह ने पहना था। तो ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, फिर भी मैंने सोचा ये वीडियो को आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो आपने देखा प्रभु यीशु मसीह का वही कांटों का मुकुट जो प्रभु यीशु मसीह को पहनाया गया था, वही मुकुट। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल को लेकर ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। ऐसे कुछ सबूत है जो कि हमें यकीन दिलाता है कि बाइबल एक सच्ची किताब है। तो मेरे प्रियो, आज की वीडियो में हम ये देखा मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह का कांटों का मुकुट देखने में कैसा था, इसको आज हमने देखा। तो जैसे मैंने आपको बोला, प्रभु यीशु मसीह को जो प्रहार किया गया था 39 बार, वो जो चाबुक था उसका भी एक हिस्ट्री है। अगर उसको उसके बारे में आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज पता चलेगा, आप जान पाएंगे बहुत सारे ऐसी चीजें। अगर परमेश्वर का मर्जी हो तो इसको हम आपको दिखाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को कौन सा चाबुक में प्रहार किया गया था, इसको हम दिखाने वाले हैं, अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो। तो अब आप जो देख रहे हैं ये यरूशलम स्ट्रीट है, यरूशलम का शहर है। हम लोग को परमेश्वर की वचन को देखा, वचन को सुना, क्योंकि वीडियो देखने के साथ साथ परमेश्वर की वचन को भी
सुनना और पढ़ना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर की वचन ही महान है, परमेश्वर की वचन ही सत्य है, उसको पहला स्थान देना चाहिए परमेश्वर के वचन को। इसलिए मैं कुछ आयतों आपके लिए पढ़कर सुनाया। यहां हमने देखा सिपाहियों ने कैसे प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया, उनका ठट्टा की। प्रभु यीशु मसीह ने यह सब सहा, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने यह सब सह लिया। और कब तक सहता रहा? जब तक प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका ना दिया जाए तब तक प्रभु यीशु मसीह यह सब सहता रहा। आपके लिए, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। प्रभु यीशु ने अपना जान दिया तो यही यरूशलेम शहर। तो इधर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के जो कांटों का ताज, उसको हमने देखा। ये 2000 साल पुराना हो चुका है, फिर भी आज तक प्रभु यीशु मसीह का कांटों का ताज आज भी है। जी हाँ, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं कोशिश करूँगा अगली बार और एक अच्छा वीडियो लाने के लिए, इस तरह का वीडियो लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा आपके लिए। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जैसे मुझे उस तरह का वीडियो मिल जाए ताकि मैं आपके पास पहुँच सकूँ। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आपके साथ और एक वीडियो में। नमस्कार।